पुम्मा का पहला बॉक्स आके हमारे पास में रेड रेड कलर का बॉक्स और रेड हमारा बैकग्राउंड भी है और दिल में भी है। प्रोडक्ट का नाम है Dex5V1। फटाफट देखते हैं, जस्ट लुक एट दिस गाइस। वेट की बात करें तो बहुत ज्यादा हल्का लग रहा है। पूरी बॉडी इसके लेदर की बनाई हुई मिल जाएगी, मल्टीपल लेदर पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। मेश का पूरा टंग मिलता है, ऊपर में आपको ग्रे कलर की पुम्मा की ब्रांडिंग मिलेगी और व्हाइट कलर का आपको लेस मिल जाएगा। फ्रंट में आपको ज्यादा मिसमैच नहीं दिखेगा, लेकिन बैक वाले पार्ट में ना मेश का काम किया गया है और पीछे भी आपको पुम्मा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एक शॉट में कहें तो जूता बहुत ज्यादा क्लीन लगता है। अंदर में इसकी पैडिंग पूरी मेश की है, ग्रे कलर का आपको इसमें इंसोल देखने को मिल जाएगा। पुमा का सॉफ्ट फोम प्लस तो नहीं है इसमें, लेकिन एक डिसेंट क्वालिटी का आपको फोम फील होगा विद द पुमा की ब्रांडिंग। आउटर सोल की बात करें तो यहाँ पर आपको ईवीए का फोम मिलता है, नीचे में कोई हार्ड रबर ग्रिप नहीं मिलता जो कि बेस्ट बात नहीं है, और नीचे में आपको पुमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सिंपल वर्ड में कहें तो अगर आपको एक ऐसा जूता चाहिए जिसमें स्पोर्ट्स शू जैसा कंफर्ट हो लेकिन लुक हो उसका स्नीकर या कैजुअल शू जैसा, इसके लिए आप जा सकते हो। और सबसे बेस्ट बात यह है हाई ₹1000 के अंदर में मिल जाएगा। एग्जैक्ट मैं प्राइस क्यों नहीं कोट कर रहा हूं, क्योंकि सेलर्स बहुत ज्यादा इधर उधर करते रहते हैं। नेक्स्ट पुमा का बॉक्स आ गया हमारे पास में, और जब भी पुमा का हरा बॉक्स आए ना तो समझ लो कि एकदम हरियाली छाने वाली है क्वालिटी की। और इस वीडियो में हम ऐसी 5 अमेजिंग पुमा के स्नीकर्स देखने वाले हैं जो कि व्हाइट स्नीकर्स हैं, क्योंकि फेस्टिवल क्लोज है, व्हाइट स्नीकर्स इज द मस्ट हैव थिंग नाउ, क्योंकि आपको बुरा दिखने से, फैशन कंफ्यूजन से बचाते हैं। प्रोडक्ट का नाम है मिराज स्पोर्ट टेक रिफ्लेक्टिव। ये मिराज सीरीज का पार्ट है और पुमा के जितने भी मिराज सीरीज होते हैं वो क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं और चंकीनेस के लिए जाने जाते हैं। प्राइसिंग अब लिखी हुई 899,000 का, लेकिन इतना वो पेनिंग करना डोंट वरी, क्योंकि अभी सेल चल रहा है, बहुत सारे डील चल रहे हैं और बहुत सारा चल रहा है ऑफर, इससे बचाव हो गया बहुत सारे पैसे। ऑलराइट, क्या खतरनाक लग रहा भाई, मानते होगी नहीं, मानते होगी नहीं। बेसिकली इस पुमा के जूते को एक आर जैसा डिजाइन किया गया है, कैसे वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। फ्रंट इसका पूरा नेटेड फैब्रिक का मिलता है, लेकिन निटिंग के लिए जो थ्रेड यूज हुआ है ना वो बहुत ज्यादा एडवांस और स्पोर्ट्स मटेरियल टाइप का लगता है। रबर की कोटिंग मिलेगी, मल्टीपल लेदर पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। पुमा का जो यहाँ पर स्ट्रिप डिजाइन है उसकी आप क्वालिटी देख लो, ऊपर में ना भाई बम्प्स क्रिएट किए गए हैं जो कि एक रोड की तरह दिखते हैं और भाई अमेजिंग लग रहे हैं, क्योंकि इसमें इतनी छोटी छोटी डिजाइनिंग, इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग है ना, झूठ मूठ का वीडियो लंबा होगा। बैक में आपको पूरा मेश का काम मिलता है, टंग पूरा वेल पैडेड है, मेश का बना हुआ है, और ऊपर में आपको पुमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि एक रबर पैच पे की गई है। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग जबरदस्त है, इंसोल की क्वालिटी भाई टॉप ऑफ द नॉच, और इंसोल में भी आपको चलो निकाल के ही थोड़ा सा निकल रहा चिपका हुआ है, पुमा पुमा लिखा हुआ मिल जाएगा। मिडसोल की बात करें तो आपको बहुत सॉफ्ट फोम यहाँ पर फील होने वाला है, और उस क्वालिटी का फोम है जो आपको मिलता है RSX के सीरीज में। नीचे में आपको हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिल जाएंगे और छोटी छोटी इतनी सारी डिटेलिंग है ना भाई, यहाँ पर देखो लिखा हुआ डिजाइन Designed by Puma Forever Faster, यहाँ पे Puma की ब्रांडिंग है, यहाँ पर देखो अलग से टेक्सचर है। फ्रंट में आपको Puma की ब्रांडिंग तो मिलती है, लेकिन कैसे देखो इसको अटैच किया गया है रबर के साथ, लेकिन कैसे देखो इसको मर्ज किया गया है पूरी डिजाइनिंग के साथ। ओवरऑल इसमें आपको व्हाइट, ब्लैक, ब्लू और थोड़ा थोड़ा रेड जैसा काम देखने को मिलता है। इतने सारे कलर्स होने के बाद भी ना जूता बहुत ज्यादा स्पोर्टी एंड एग्रेसिव लगता है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने इस जूते के बैक को कवर नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर भाई नेक्स्ट लेवल की खूबसूरती छुपी है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जूते की जो डिजाइनिंग है एक स्पोर्ट्स कार जैसी की गई है। जूते के अगर ठीक बैक में देखोगे तो यहाँ पर नंबर प्लेट जैसा पुमा का लोगो यहाँ पर डिजाइन किया गया है, और उसके साइड साइड में दो छोटे छोटे आपको और बॉक्सेस देखने को मिलेंगे जो कि कार के लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर में देखोगे तो स्पोर्ट्स कार में कैसे एक वाइजर होता है, उसको क्या बोलते एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, जो कि एरोडायनामिक बनाता है कार को, एग्जैक्टली वैसे इसमें डिजाइनिंग की गई है जिसपे आपको पुमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। राइट साइड में आपको दो लेदर के पीसेस देखने को मिलेंगे जो कि बस ऐसे ही हवा में जा रहे हैं, और ये कार के शार्क फिन को रिप्रेजेंट करता है। अब बोलोगे इतने से क्या होगा, तो अगर फ्रंट में देखोगे ना तो यहाँ पर एक विंडशील्ड जैसा आपको डिजाइन देखने को मिलेगा जो कार का फ्रंट एरिया होता है। ओवरऑल ना भाई डिटेलिंग इसमें नेक्स्ट लेवल की गई है। लेस होल्स के साइड की बात करें, छोटे छोटे थ्रेड वर्क्स की बात करें, या बात करें बैक में खूबसूरत से ब्लू हार्ड प्लास्टिक पीस की, जो कि डिजाइन का तो पार्ट है ही, लेकिन जब भी आपको जूते खोलने की जरूरत पड़ेगी ना तो आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, बस ऐसा करके फीता खोलो, इसको यहाँ पर ऐसे करके अटकाओ और ऐसे खींच के खोल दो, ये उस लिए बना हुआ है। ओवरऑल पैनिंग में कैसा लग रहा है, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, ये जूता आपको ₹4500 के आसपास में मिल जाएगा, और ये जूता नहीं बल्कि एक मास्टर पीस है। कुछ ऐसा चाहिए जो लगे जबरदस्त, इसके लिए जा सकते हो। ऑलराइट, पुमा का नेक्स्ट लग्जरी बॉक्स आ गया हमारे पास में, और इसका नाम है भाई BMW MMS X-Ray Speed। BMW के साथ कोलैबोरेशन वाला जूता, इसका कलर व्हाइट है और दो कलर एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे, ब्लू एंड रेड, जो कि BMW के बुम 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 को रिप्रेजेंट करता है। पूरी बॉडी में दो तरह के बेस फैब्रिक यूज किए गए हैं। फ्रंट वाला जो आप ये फैब्रिक देख रहे हो ये नेटेड फैब्रिक तो है ही, लेकिन नेटिंग के लिए जो थ्रेड यूज हुआ है और ओवरऑल जो आउटकम आया है ना, ये फैब्रिक बहुत ज्यादा स्ट्रेची फील होता है, जिसके कारण अगर आपके पैर की उंगलियां ऐसे नाचने की कोशिश कर रही है अंदर में तो वो भी कर सकती है। इस साइड में भी आपको लेदर पैचेस देखने को मिलेंगे, व्हाइट कलर का आपको लेस मिलता है, पूरा मेश का आपको टंग मिलेगा, ऊपर में आपको एक एक्स्ट्रा लेदर
पैच के ऊपर पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। साइड साइड में भी पूरा मेश का काम किया गया है और इसमें आपको मिलता है पूमा का सॉफ्ट फोम प्लस, जिसकी क्वालिटी इस बार ना मुझे थोड़ी बेटर फील हो रही है। इस वाले लेस होल्स के ऊपर में आपको ब्लू कलर के रबर के पैचेस देखने को मिल जाएंगे। कहीं कहीं भी थोड़ी थोड़ी ऐसे करके पैचिंग की गई है ना, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन उससे भी खूबसूरत है इसका बैक, क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर BMW का लोगो देखने को मिलेगा। आउटर साइड में आपको BMW मोटर स्पोर्ट का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। मिड सोल की बात करें, क्योंकि ये RSX सीरीज का पार्ट है, उसका चाचा भतीजा है समझ लो, क्वालिटी आपको टॉप ऑफ द नॉच मिलने वाली है फोम की। ठीक RSX जैसा आपको थोड़ा कलर ब्लॉक डिजाइन देखने को मिलेगा इसके आउट मिड सोल में, और नीचे में मिलता है आपको हार्ड रबर ग्रिप, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड ओवरऑल अगर एक वर्ड में जूते को जज करें ना, आपको व्हाइट स्नीकर चाहिए, थोड़ा सा स्पोर्टी इसमें फिनिश चाहिए। ओवरऑल अगर इसकी डिजाइनिंग अच्छी लग रही है, डेफिनेटली जा सकते हो। राइट, नेक्स्ट पूमा का जूता गया हमारे पास में। हमने बहुत सारे सेल्स की वीडियो आपके लिए बनाई और बहुत सारे डील्स आपके साथ शेयर किए। अगर आप अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं हो, जाओ, बहुत मजा करते हैं वहां पर। इसका नाम है फरारी ड्रिफ्ट कैट डेल्टा, BMW फरारी भाई, स्नीकर हॉल कम कार गैराज वीडियो ज्यादा बन गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिजाइनिंग बहुत ज्यादा यूनिक है, स्लीक है। पूरी बॉडी आपको लेदर की मिल जाएगी, प्रीमियम लेदर इसमें यूज हुआ है और बहुत सारी छोटी छोटी डिटेलिंग है। जैसे फ्रंट में देखोगे ना, उतना विजिबल नहीं है, व्हाइट कोटिंग के थ्रू ही ना यहाँ पर एक दो लाइंस डिजाइन देखने को मिलेगी। पूमा की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। लेदर पैच के थ्रू पूमा का स्ट्रिप डिजाइन किया गया है। मल्टीपल लेदर पैचेस यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मेश का पूरा टंग मिलता है, ऊपर में आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी ड्रिफ्ट कैट की और पूमा का लोगो मिल जाएगा। ओवरऑल ये वाले एरिया में ना आपको बहुत सारा रबर कोटिंग का काम मिलेगा, क्योंकि व्हाइट के ऊपर ही व्हाइट की कोटिंग की गई है ना। एक तो ये चीज दर्शाता है कि पूमा अपने डिजाइन को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। लेकिन मेन जो खूबसूरती है वो भाई इसका पिछवाड़े में है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा खूबसूरत सा फरारी का लोगो। एक तरफ पूमा दौड़ रहा है, एक तरफ फरारी दौड़ रहा है, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन चल क्या रहा है मार्केट में। आपको एक बड़ा सा रेड कलर का रबर पैच देखने को मिलेगा और ये इकलौता कलर है जो पूरे जूते में यूज हुआ है। आपको पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको मिलता है पूरा रबर का आउटर सोल, यहाँ पर आपको पूमा की ब्रांडिंग तो मिलती है। हालांकि एक चीज गौर करने वाली है, इसका आउटर सोल का जो रबर है ना वो पूरा बैक तक ऐसे रैप किया गया है। लेस की क्वालिटी की बात करें तो पूरा राउंड लेस है, ऊपर में आपको रेड कलर का टिप देखने को मिल जाएगा। और कभी आपने अगर बचपन में लट्टू नचाया होगा ना, उसको पता नहीं अलग अलग राज्य में क्या बोलते हैं, उसमें कैसे डोरी होती थी, वैसी सेम डोरी हमें यहाँ पर लगती है। सीधी बात कहूं तो एक बहुत खूबसूरत लो टॉप स्नीकर है। लेकिन एक चीज जान लो कि इसको डिजाइन किया गया है मोटर स्पोर्ट के लिए, ये उस कैटेगरी का जूता है, लेकिन लोग आराम से कैजुअली पहन सकते हैं, अच्छा लग रहा है, जा सकते हो। नेक्स्ट है पूमा का लास्ट बॉक्स आ गया हमारे पास में, एक और खूबसूरत सा डिफरेंट बॉक्स। और ये बॉक्स मैं सच बताऊं पहली बार देख रहा हूं। टाइल कोड है इसका सफल मिड 18 बेटर 2। इस जूते की खास बात क्या है, ये काला है, हमारे पास आ गया गलती से, हमने व्हाइट मंगाया था भाई कसम से। जस्ट लुक एट दिस, 2 मिनट के लिए इसको व्हाइट कंसीडर करते हैं। पूरी बॉडी इसकी लेदर की बनाई गई है, प्रीमियम लेदर है, लेकिन यहां पर आपको सॉफ्टनेस नहीं बल्कि वो टेक्सचर फील होगा लेदर का। फ्रंट में आपको वेंटिलेशन के लिए होल मिल जाएंगे, एक एक्स्ट्रा लेदर पैच मिलता है जो कि इसका टो प्रोटेक्टर है। साइड में जो पूमा की स्ट्रिप है ना वो इन्हीं होल से बनाई गई है, तो वेंटिलेशन में आपको जूते में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अच्छे से काम किया गया है। बैक में मल्टीपल स्टिचिंग्स के थ्रू, मल्टीपल पैडिंग के थ्रू ना यहाँ पर एक फिनिशिंग तैयार की गई है, जो कि जूते को ब्लैक होते हुए भी ना काला कृति बनाती है। यू गॉट द जोक। बड़ा सा टंग देखने को मिल जाएगा, ऊपर में आपको एक पैच मिलता है जहाँ पर 18 पूमा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। जहाँ पर लग गया 18 समझ लो वहाँ पर लग गया विराट कोहली भैया। ब्लैक कलर का आपको लेस देखने को मिल जाएंगे। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग मस्त है, इनसोल की पैडिंग जबरदस्त है। साइड में आपको गोल्डन कलर की 18 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, आउटर साइड में आपको गोल्ड कलर की पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और बैक में ये जो गोल्ड कलर का ऐसा दिल बना हुआ दिख रहा है ना, जिसके नीचे स्वेट लेदर पैच लगा है, इसका मतलब होता है रिसाइकल्ड मटेरियल, तो कुछ कुछ जगह पर ये यूज हुआ होगा। आउटर सोल इसका पूरा रबर का बना हुआ है, नीचे आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इन वन वर्ड में कहे, एक बहुत खूबसूरत व्हाइट कलर का स्नीकर है, जस्ट प्रिटेंडिंग, जो कि आप पे जबरदस्त लगेगा। इसके व्हाइट कलर का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ना मिले तो ब्लैक भी खरीद सकते हो अगर आपको एक खूबसूरत सा हाई टॉप स्नीकर चाहिए जिसकी ओवरऑल क्वालिटी जबरदस्त हो। मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप इसे देख लो। एंड अगर ये वीडियो चली गई, मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग अमेजिंग स्नीकर्स की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उनके लिए भाई जय हिंद, पेश बूम।